वैष्णो देवी के तर्ज पर बने गुफा पंडाल को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देखिए भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बड़ी खबर, गया में मां वैष्णो देवी के तर्ज पर बने गुफा पंडाल पर लगी रोक अब हटते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सभी भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वीडियो देखने से पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी भक्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए और लोग आराम से वैष्णो देवी के गुफा का दर्शन कर पाए। चलिए तो मामला हम क्या था बताते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि गया में एक चर्चित पंडाल बना था जो मां वैष्णो देवी के गुफा के तर्ज पर बनाया गया था। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हाथे गोदाम में बनी मां वैष्णो देवी के गुफा के तर्ज पर बने पूजा पंडाल में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही थी। मौजूदा भीड़ के अनुपात में उक्त पंडाल की मजबूती क्षमता से कम देखी गई। आम जनता सहित कई स्रोतों से उक्त पंडाल में जान माल क्षति होने की आशंका व्यक्त की गई थी, जिसे लेकर आज जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती द्वारा संयुक्त रूप से उक्त पूजा पंडाल का निरीक्षण किया गया। पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के हित में पूरे इंतजाम को बारीकी से देखा गया। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग गया को उक्त पंडाल को दुर्गा पूजा के अवसर पर हजारों की संख्या में एक साथ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुपात में पंडाल के मजबूती की स्थिति का जांच करवाया गया है। जांच प्रतिवेदन में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि फ्लोर का सपोर्ट यानी कि सहारा लेकर बांस के माध्यम दिया गया है, जो बिल्कुल ही हजारों हजार की संख्या में एक साथ आने वाले भीड़ के अनुपात में सही नहीं है। बांस में दिया गया फ्लोर का सहारा काफी कमजोर भी है, ज्यादा लोग एक साथ अगर चढ़ेंगे तो जान माल की क्षति होने की पूरी संभावना है। इसी दृष्टिकोण से जिला पदाधिकारी एवं एसएसपी ने उक्त पंडाल आयोजकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया है कि पंडाल के नीचे स्टील का ट्रस यानी कि पाया बनाकर फ्लोर को सपोर्ट में दें। पंडाल के फ्लोर के सपोर्ट हेतु जैसे ही स्टील का ट्रस बनाकर देंगे और जैसे ही पंडाल की स्थिति को ठीक कर लेंगे, तत्पश्चात आयोजक को पंडाल में श्रद्धालुओं के एंट्री करवाने की अनुमति दे दी जाएगी। देखिए पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यानी जो रोक लगाई गई थी फिलहाल उस पर एक और बात सामने आ गई है कि अगर आयोजक ये क्लियर कर दें कि पंडाल जो बनाया गया है जिस पर चढ़कर जिस फ्लोर से चढ़कर भक्तगण अंदर की ओर जाएंगे, अगर उसे मजबूती तरीके से बना दिया जाए तो फिर से गुफा पंडाल को खोलने का आदेश दे दिया जाएगा। हालांकि यह मामला सामने आई है और खुद जिलाधिकारी गया जाकर उक्त पंडाल का निरीक्षण किए और उन्होंने जो आदेश किया है, अब यह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ घंटों बाद अगर ये चीजें पूरी कर ली आती है जो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है तो फिर गुफा पंडाल को खोलने का आदेश दे दिया जाएगा। देखिए ये वीडियो कल का है, कल किस तरह से भक्तगण जो है वो हजारों की संख्या में गुफा पंडाल के समीप आकर खड़ा हो गए थे, लेकिन गुफा पंडाल बंद होने के कारण भक्तों में काफी नाराजगी थी। घंटों लोग दर्शन के लिए खड़े रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी थी कि गुफा पंडाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन आज जो बातें सामने आई है उसमें भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देखिए बाउंसर किस तरह से लगे हुए हैं। आपको बता दे कि रात दिन मिलाकर लगभग 50 बाउंसर्स यहां सिक्योरिटी को लेकर लगे थे और यहां के आयोजक ने जिला प्रशासन से भी मदद मांगी गई थी। देखिए किस तरह से पर्दे से ढककर जो है वो गुफा को बंद कर दिया गया है और आसपास में हजारों की भीड़ खड़ी है। मौके पर बाउंसर्स भी मौजूद हैं, लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप सभी वापस घर चले जाएं, कृपया भीड़ ना लगाएं क्योंकि प्रशासन ने अभी गुफा खोलने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन आज रविवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, अगर जो आदेश जिला प्रशासन ने दिया है वो आयोजकों के द्वारा पूरी कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर पंडाल खोलने का आदेश कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आप पंडाल का दर्शन करने के लिए उक्त स्थान पर जाइएगा। बाकी वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर जिला प्रशासन ने जो अपील की है वो सही है या फिर गलत। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिला प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो आप लोगों के हित में लिया है। अगर आप एक साथ हजारों की संख्या में गुफा पंडाल पर चढ़ेंगे और भगवान ना करे किसी प्रकार की अनहोनी हो, अगर नीचे का फर्श टूट गया तो बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने आपके हित के लिए फैसला लिया है। बाकी जिला प्रशासन के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।